साइंस लर्निंग रिसोर्स स्टडी में आपका खुश आमदी। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह की हरकतें बच्चे करते हैं पेपर पे, वो क्या क्या लिख देते हैं। ये एक मैं पेपर चेक कर रहा था, देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, जी सर मुझे पास कर दें वरना मेरी छाती हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चे बहुत कुछ लिखते हैं। मैं आपको जब जब आता रहेगा पेपर में आपको दिखाता रहूँगा कि बच्चे किस तरह से लिखते हैं और उन पर क्या क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। तो देखें ये इसका पेपर था, देखें किस तरह से इसने लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है, मैं तो इसको क्रॉस करने का दिल चाह रहा था। फिर क्या है जी, ये देखें यहाँ से ट्रांसलेशन में भी इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट देखें सवाल जवाब में, फिर भी देखें मैंने उसकी इतनी गंदी राइटिंग के बावजूद उसका मैंने फिर भी नंबर दिए हैं। ये तो देखें बिल्कुल ही ऐसे क्या लिखा हुआ है, इसमें बिल्कुल ही क्रॉस है। तो जब मैं आगे कर रहा था देखें फिर एक और ट्रांसलेशन है, फिर भी इसने मैंने इसको चार नंबर दिए। और देखें आगे मुझे क्या लिखा हुआ नज़र आया। तो देखें बच्चों ये लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका आपको नुकसान ही नुकसान है। तो मैं तो इस पर केस नहीं बना रहा, लेकिन ऐसे भी चेकर हो सकते हैं जो इस चीज़ पर केस बना दें। तो इस केस की वजह से आप नाअहल हो सकते हैं, आप 5 साल के लिए आपको पेपर देने की इजाज़त नहीं होगी और आपको कैद भी हो सकती है। तो ये देखें किस तरह से बच्चे ने लिखा हुआ है, बच्ची ने लिखा हुआ है कि सर अगर मुझे फ़ेल कर देंगे तो मेरे घर वाले शादी कर देंगे। तो मैं इस वजह से इतनी बच्चे आपको पास करने वाला, लेकिन आप पेपर देख सकते हैं कि आप ख़ुद ही बताएं, आप ख़ुद ही जज करके मुझे बताएं कि मैं इसको पास करूं क्या करूं। लेकिन फिर भी मैं जहां से नंबर इसके मैंने बढ़ाए थे, तो मैंने MCQs में तो मैं नंबर बढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैंने यहां से जितने इसके नंबर थे मैंने चेक करके, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स नज़र आएंगी, लेकिन फिर भी मैंने इसको 3 ये नंबर दिए। यहाँ से देख लें मैंने इसको 7 नंबर दिए, और उसके बाद यहाँ से मैंने इसको फिर देखें इसके भी मैंने 2-2 नंबर दिए पूरे पूरे। फिर यहाँ पे 1 नंबर दिया, फिर यहाँ पे देखें इसके बावजूद के सारा कट है मैंने इसको 1 नंबर दिया है। उसके बाद आपके सामने ये आ जाता है। तो ये इसका टोटल पेपर था। तो और मैं आपको क्या बता सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें बच्चे करते रहते हैं, और इसके अलावा और बड़ा कुछ लिखते हैं, अक्सर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता किस किस तरह की बच्चे चीज़ें लिख देते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने पेपर नहीं है तो बच्चे खाली छोड़ के इस तरह की चीज़ें आप ना लिखें। तो अब तक के लिए इतना ही, यही मैं आपको दिखाऊँगा कि बच्चे किस तरह से चीज़ें लिखते हैं अपने पेपर पर। तब तक के लिए इतना ही, अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।